हेलो मेरे यूट्यूब के प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही डिलीशियस रेसिपी जिसे कहते हैं सुहाना कढ़ाई पनीर मिक्स। आप देख सकते हैं ये कितनी ज्यादा डिलीशियस बनी हुई है। आप इसे किसी भी पार्टी फेस्टिवल में बनाएं, ये सबको बेहद पसंद आने वाली है। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर मैंने सबसे पहले सुहाना कढ़ाई पनीर मिक्स का एक पैकेट लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके मसाले में नमक पहले से ऐड होता है, तो आप इसकी ग्रेवी में नमक बिल्कुल ना डालें। ये 50 ग्राम का पैकेट है, इसका प्राइस 40 रुपये है। ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनती है। बस आप मेरे बताए हुए तरीके से स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो आपकी भी सुहाना कढ़ाई पनीर बहुत ही डिलीशियस बनेगी। मैंने इस मसाले को इस तरह से कट कर लिया, अब इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं इस तरह से। यहाँ पर मैंने एक कप पानी लिया हुआ है, पानी हमें एक साथ बिल्कुल नहीं डालना है। इस तरह से हम इसका घोल बनाकर मसालों का तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मसालों का घोल बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया हुआ है, इस पैन में मैं डालूंगी 5 से 6 चम्मच तेल। तेल को यहाँ हम थोड़ा गर्म कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिए जिसे इस तरह छोटे टुकड़ों में काट लिया है, इसको भी यहाँ पर डाल देते हैं और डालकर हम इसे यहाँ पर चलाएंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। अब यहाँ पर मैं ढक्कन लगाकर टमाटर को थोड़ा सॉफ्ट होने तक पकाऊंगी। अब यहाँ पर ढक्कन हटाएंगे, आप देख सकते हैं टमाटर काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। इस तरह से हम इसे दोबारा चलाएंगे। गैस को फ्लेम को यहाँ मीडियम रखना है। अब इसमें हम डालेंगे सुहाना मसाले का पेस्ट। इसी बर्तन को खंगाल कर मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। अब पानी डालकर हम मसालों को अच्छे से टमाटर में मिला देते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर हम इसे ढककर 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर पका लेते हैं। यहाँ पर 3 मिनट बाद मैं ढक्कन हटाऊंगी। आप देख सकते हैं मसाले काफ़ी अच्छे से भुन चुके हैं, मसालों ने काफ़ी अच्छा तेल छोड़ा है। अब इससे ज़्यादा मसालों को हम नहीं पकाएंगे, इसे हम इस तरह से चला देंगे। अब यहाँ पर मैं पानी डाल रही हूँ 200 ग्राम के करीब ग्रेवी बनाने के लिए। टोटल मैंने 300 ग्राम पानी लिया हुआ था, 100 ग्राम पानी मैंने मसाला बनाने में यूज़ किया था, 200 ग्राम मैंने ग्रेवी में लिया है। अब यहाँ पर ढक्कन लगाकर मैं इसे गाढ़ा होने तक पका लूँगी ग्रेवी को। ढक्कन हटाएंगे, आप देख सकते हैं ग्रेवी काफ़ी अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। दोबारा इस तरह इसे चलाएंगे। अब इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे, गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे एक तरफ रख देते हैं। दूसरी तरफ हम सब्जियां फ्राई कर लेंगे। एक कढ़ाई ली है, अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच बटर है ये। बटर को थोड़ा गर्म करेंगे, इसे हम यहाँ पर चलाएँगे इस तरह से। गैस के फ्लेम को यहाँ मीडियम रखना है। यहाँ पर मैंने एक प्याज ली हुई थी जिसे मैंने इस तरह बड़े टुकड़ों में काट लिया है, इसको भी इसमें डाल देंगे और डालकर हम इसे यहाँ चला देते हैं। 1 मिनट में इसे यहाँ पर फ्राई कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने 1 शिमला मिर्च ली हुई थी, इसे भी बड़े टुकड़ों में काट लिया है, इसको भी हम यहाँ चलाएंगे। इसको यहाँ पर हम 30 सेकंड पका लेते हैं, बहुत ज़्यादा इसको यहाँ नहीं पकाएंगे। अगर आप तीखा खाते हैं तो इसी स्टेज में आप 2 हरी मिर्च काट कर यहाँ डाल सकते हैं छोटे टुकड़ों में। इस तरह से हम इसे यहाँ पर चला देते हैं अच्छे से। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम पनीर लिया हुआ है जिसे मैंने बड़े टुकड़ों में काट लिया है, इसको भी यहाँ पर डालकर हम अच्छे से चलाएंगे इस तरह से। गैस के फ्लेम को यहाँ मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पर मैं इसे 2 से 3 मिनट यहाँ फ्राई कर लेती हूँ। इस तरह से हम इसे चलाते रहेंगे। यहाँ पर 3 मिनट हो चुके हैं, मैं इसे दोबारा चलाऊँगी। आप देख सकते हैं पनीर काफ़ी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, साथ ही सब्जियाँ भी इसमें काफ़ी अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। अब इसमें हम डालेंगे तैयार की हुई ग्रेवी जो हमने पहले बनाकर रख ली थी, इसको भी यहाँ पर हम डालकर चलाएंगे। आप देख सकते हैं कढ़ाई पनीर कितनी ज़्यादा ये डिलीशियस लग रही है, उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में डिलीशियस है। अगर आप भी इसी तरह मेरे बताए हुए तरीके से बनाएंगे तो आपकी भी कढ़ाई पनीर इतनी ज़्यादा डिलीशियस बनकर तैयार होगी, तो आप लोग इसे ज़रूर बनाएं। अब यहाँ पर मैं इसे ढक्कन लगाकर ग्रेवी को थोड़ा गाढ़ा होने तक पकाएंगे। अब ढक्कन हटाएंगे, आप देख सकते हैं ग्रेवी काफ़ी अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है और उसमें खुशबू भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है। इसे और ज़्यादा डिलीशियस बनाने के लिए मैं इसमें डालूंगी फ्रेश क्रीम। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं तो आप इसमें 2 चम्मच फ्रेश मलाई भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने अमूल के फ्रेश क्रीम दी है, 2 चम्मच मैं इसमें इस तरह से डाल देती हूँ और डालकर मैं इसे यहाँ पर चला देती हूँ इस तरह से। इससे जो कढ़ाई पनीर और भी ज़्यादा डिलीशियस बनेगी, तो आप लोग इसे ज़रूर डालें। 2 मिनट में इसे यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी। 2 मिनट बाद ढक्कन हटाएंगे। आप देख सकते हैं ये कढ़ाई पनीर कितनी ज़्यादा डिलीशियस बनकर तैयार हुई है। इस तरह से मैं इसे चलाऊंगी और चलाकर मैं इसे आपको निकाल कर दिखाती हूँ।
ये देखिए डिलीशियस सी सुहाना कढ़ाई पनीर बहुत ही कम टाइम पर बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसे रोटी, पूड़ी, पराठे, नान, चावल किसी के साथ भी खाएं, ये सुहाना कढ़ाई पनीर आपको बहुत ही डिलीशियस लगने वाली है। आपको हमारी ये डिलीशियस सी रेसिपी कैसी लगी मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना आप बिल्कुल ना भूलें।